स्वागत है आप सभी का सितारे मस्ती में, और मेरे साथ हैं चार्मिंग स्वीट एंड अडोरेबल कास्ट ऑफ अपकमिंग मूवी बर्फी। स्वागत है आपका प्रियंका, रणबीर और इलियाना। वेलकम टू दिस शो। थैंक यू। और मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि आपकी जो बर्फी की महक है वो पूरी दुनिया में फैल गई है। जिन्होंने टीजर के थ्रू उसको चखा है उनको स्वाद बहुत अच्छा लगा है। सो हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। आपने ये बर्फी चख ली पूरी तरीके से, यानी कि फिल्म देख ली आपने? मैंने देखी है। हमने नहीं देखी अभी तक। तो अभी तक हमने चखा नहीं है, बट ये ऐसी बर्फी है जो सिर्फ मीठी नहीं है, मसालेदार है, तीखी है, सब इंग्रेडिएंट्स डाले हमने। तो वी हैव ट्राइड टू रियली मेक अ फैमिली एंटरटेनर। ऐसे नहीं कि हमने ऐसी कोई स्वीट सी फिल्म बनाई है, हमने स्वीट, सार और क्या होते हैं टेस्ट, स्पाइसी, टैंगी, सब कुछ है इस फिल्म में। वी गॉट द सदर्न स्पाइस। क्या बात है। लेकिन इस फिल्म में आपका नाम बर्फी क्यों है? मतलब लड्डू रख सकते थे। बर्फी इज आइडिया सही है। आई थिंक टू फेमिनिन, व्हाट वुड यू से? वेल फेमिनिन इसका लॉजिक है। लॉजिक अभी आएगा। आप बताएं। ये फिल्म ना 1970s के दौरान प्रस्तुत है। तो उस दौरान ना हर माँ जब प्रेग्नेंट होती थी ना, वो अपने हस्बैंड को बोलती थी, हमें वो मर्फी रेडियो वाला फोटो, जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, एक छोटा सा बच्चा। ऐसे ऐसे उसका पोज था, राउंड मोटा सा, उसका फोटो ला, ताकि जब माँ वो फोटो को देखेगी तो उनका भी बच्चा मर्फी रेडियो के ब्रांड एम्बेसडर कैसे देखेगा। तो जब ये पैदा हुआ था, माँ ऑफ हो गई, रेडियो ऑन हुआ, बर्फी म्यूट्स रोने लगा। बट क्या, क्योंकि ये डेफ एंड म्यूट है तो म और ब का अंतर नहीं जानता है। तो अगर आप बर्फी कह रहे हो तो उसको लगता है कि आप बर्फी कह रहे हो। तो जब कोई उसे नाम पूछता है तो वो कहता है अर्फी, बर्फी। तो लोग समझते हैं इसका नाम बर्फी है। और क्योंकि एक सनशाइन फिल्म है, तो अनुराग बासु जो हमारे निर्देशक हैं, उनको लगा कि बर्फी जैसा टाइटल, इट गोज एप्ट विद द मूड ऑफ द फिल्म। यू नो, जब आप बर्फी नाम सुनो तो आप सोचोगे कि कोई मीठी सी, यू नो, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया था फिल्म का, वैसा ही है ये सनशाइन फिल्म। सनशाइन फिल्म। अच्छा, जब आप इस तरह की फिल्म एक्सेप्ट करते हैं, सबसे पहले चीज़ क्या आती है, ये मेरे को अवार्ड जिताएगा? नहीं, आई डोंट थिंक वी साइन फिल्म्स अवार्ड्स। पीसी हर्सेल्फ हैज वन सो मेनी अवार्ड्स, उसने नेशनल अवार्ड भी जीता है। बट फिल्म जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो या डायरेक्टर से नरेशन लेते हो, आपको कोई अंदाजा नहीं होता कि ये अवार्ड दिलाएगा, रिवॉर्ड दिलाएगा, कुछ दिलाएगा। कहीं ना कहीं तो ये मालूम है। मैं तो हर फिल्म में सोचती हूं कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, तो होता ही नहीं है। बट यू हैव टू से दिस, यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपको मालूम है ये बहुत चैलेंजिंग है, इस तरह की फिल्में नहीं बनती। चैलेंजिंग नहीं है, आपको लगता है ये लोगों चैलेंजिंग नहीं, क्या बात है, लोगों का नजरिया है कि चैलेंजिंग है। बट बिकॉज़ ही इज प्लेइंग डेफ एंड म्यूट, आपको लगता है कि अच्छा बहुत चैलेंजिंग है। बट चैलेंजिंग पार्ट ये था कि कैसे इस डेफ म्यूट लड़के को नॉर्मल दिखाओ, कि जब ऑडियंस आएगी फिल्म को देखने, वो खुद 10 मिनट बाद भूल जाएंगे, अरे ये तो गूंगा बहरा है। तो हमने यही कोशिश की है, यू नो, तो लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिंग, लॉट ऑफ फिजिकल कॉमेडी, फिजिकल एंटिक्स, कि ऑडियंस एंटरटेन रहे, उनको पता भी नहीं रहे कि ये डेफ म्यूट था फिल्म। हमने टीजर में इन दोनों के कैरेक्टर्स की जो एक खासियत है वो देख ली, आपके कैरेक्टर की क्या खासियत है? आई थिंक द फैक्ट दैट यू नो शी इज प्रीटी मच सो कॉल्ड द नॉर्मल गर्ल। I mean, people sort of think that that you know, when you interact with a deaf and mute person, that you know, you have this sort of thing that, oh, you know, they have this disability in life, they've got a very depressing life. But when she meets him, he actually opens up her eyes to life completely. He makes her live life for the first time. So that's the most amazing part about Barfi, more than anything. ये movie ये भी बोलती है कि you should live your life to the fullest. कोई ऐसी चीज़ है जो आप तीनों करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं करी? I want to get over my fear of heights. Fear of heights. Go bungee jumping. I thought about that. I thought about skydiving. आप उनके साथ ट्रेन पे एक सीन कर रहे थे, धकेल लेते? No. The thing is, he was really, really helpful. I must say. अच्छा, मुझे लगा बोल रहे he was too scared. No. That is also. मैं उसको विश्वास दिला रहा था कि नहीं, मैं I'm a very chivalrous, good co-star, तो I'll help you. But actually, फटरी मेरी थी. No, after we got off the train, I actually asked. इलियाना, मुझे जरा कस के पकड़ना. मैं जान. Don't worry. But are you also scared of heights? I'm scared of heights, scared of water, scared of pigeons, scared He's of... Scared. I'm scared. I'm a scared person. I'm actually the anti-hero. जब बहुत सारी you know, talent साथ में आती है, तब me as a hero रंग लाती है. But otherwise, लाती I'm... है. हाँ, nice. लाता है. लाता है. लाता है, लाती है, जो भी है. इतना सारा खूबसूरत talent आपके साथ में है, तो इसीलिए आपके अच्छे रंग जो हैं वो बाहर निकल के आए हैं. Well, खूबसूरत जब मैं इस तरफ देखूँ तो ये है बहुत खूबसूरत, लेकिन जो इस फिल्म में इन्होंने कैरेक्टर निभाया है वो जब आप देखोगे तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन जब इनका जो पार्ट है, इनकी जो जो चीज़ें करती हैं झिलमिल फिल्म में, तब आपको 10 मिनट में प्यार हो जाएगा कि हाँ यार, मुझे भी मेरी जो गर्लफ्रेंड है इस तरह होनी चाहिए।
That's how you'll feel. जहाँ इलियाना का सवाल है, इट्स अ वेरी लाइक अ डिज्नी लव स्टोरी, जो ये सिंड्रेला या स्लीपिंग ब्यूटी जैसी स्वीपिंग क्वालिटी है, प्रिंसेस क्वालिटी है, जो जिसके ऊपर बर्फ़ी का दिल आता है, बर्फ़ी दिल निकाल के उसके कदमों में डालता है, ये दिल को फुटबॉल समझ के किक कर देती है. तो ऐसी ऐसी कहानी थी. He's making me more like the evil queen. Really? Yeah. We'll have to wait and watch and see the movie. Was it difficult for you? Did you do research on your character? It is my most difficult role. Yeah. क्योंकि अगर आप एक autistic character या एक differently able character play करते हैं तो बहुत आसान होता है उसको caricaturish बना देना कि cartoon की तरह करने लगे. जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है. कुछ फिल्मों में देखा है, कुछ में नहीं. बहुत अच्छे performances भी हुए हैं. लेकिन कैरिकेचर बनाना बहुत आसान है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा फियर था मेरा कि मैं ये नहीं होने दे सकती. तो रिसर्च किया, सब कुछ किया, बच्चों से मिली, ऑटिस्टिक बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स तक से मिली, बुक्स पढ़े, वीडियोस देखे, सब किया. लेकिन जब सेट पे पहुंची सब भूल गई. कुछ याद नहीं आ रहा था उस कैमरे के सामने. जब मेरे को वो कपड़े पहन के, मैं अपना विग और वो सब लगा के जब मैं पहुंची वहां पे, मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं कैसे करूं, कैसे बिहेव करूं. लोग हंसेंगे, मैं अजीब लगूंगी. तीन चार दिन में ठीक हो गया. लेकिन बट क्या आपने एक एजेंडा बना लिया, या तो मुझे फिल्म में दो तीन रोल दो, या फिर एक ऐसा वाला किरदार दो जो दो तीन के बराबर हो. अरे यार, मैंने डॉन भी की इस साल, अग्निपथ भी की इस साल, उसमें तो नहीं था ना ऐसा. नहीं, मैं वो फिल्में भी चली. बट आई एम जस्ट सेइंग, बट आई मिक्स अप द बैग. मैं बोर हो जाती हूँ सेम चीजें कर करके. एंड आई थिंक एक कलाकार होने के नाते उतना हक तो हमारा बनता है कि आप इवॉल्व करते रहो. इट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. एंड या, एंड आई लाइक डूइंग दैट विद माय फिल्म्स, टू ट्राई एंड डू डिफरेंट थिंग्स. Tell me honestly, did you also contribute in terms of the look, or was it all the director's vision? No, I guess har actor ka kartavya hai ki jo kirdar wo nibha rahe hai, they contribute, and actor must contribute. Of course, most of the credit must go to the stylist, the director, but aap bhi apni body shape late ho, you know, thopda late ho, so hame zyada tar credit milte jata hai. But I guess the costume design and the director, they were very clear ki hame you know, jo bhi characters hai is film mein, jaise Shruti ka character hai, बर्फी का कैरेक्टर है, झिलमिल का कैरेक्टर है, 70s की पिक्चर है, तो ही वांटेड अ डेफिनेट लुक फॉर ऑल थ्री. बर्फी की मस्ती जारी है, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होते हैं कुछ ही देर में.